दोस्तों रोड पे चलते हुए आपने रोड के बीच में और साइडों में इन सफेद पट्टियों को जरूर देखा होगा। तो आपके मन में दोस्तों एक चीज़ जरूर आती होगी कि जो इन पट्टियों में यूज होने वाला जो मेटल है वो कौन सा मेटल है जो इतना टिकाऊ होता है कि जो ये पट्टियाँ होती है दोस्तों गर्मी में, सर्दी में, बरसात के मौसम में सालों साल टिकी रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि इसमें कौन सा मेटल जो है यूज किया जाता है और इसका जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस क्या है। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जिस मशीन के द्वारा ये मार्किंग की जाती है उस मशीन का क्या नाम है। तो दोस्तों इस मशीन का नाम है रोड मार्किंग मशीन। और अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें यूज होने वाले मेटल की जिसके द्वारा जो है ये इस वाइट पट्टी लगाई जाती है। तो दोस्तों इसमें जो यूज होता है मेटल दोस्तों उसका नाम है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक का क्या है कि जिसमें अंदर एक बॉयलर होता है, एक सिलेंडर भी लगा होता है जिसमें क्या बॉयलर में इस मेटल को जो है गर्म किया जाता है, उसके बाद ही जो है ये पट्टी लगाई जाती है। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक के साथ साथ दोस्तों इसमें ग्लास भी जो है ऐड किया जाता है। ग्लास का यूज दोस्तों ये होता है कि जब भी रात को जो गाड़ी चलती है, ठीक है, गाड़ी की जो लाइट होती है दोस्तों जब इन व्हाइट पट्टियों पे लगती है लाइट तो उसमें क्या था जो शाइनिंग जो है वो आती है। ठीक है, तो अलग से दूर से पता चल जाता है कि आपका रोड का जो साइड की जो साइड पट्टी होती है, ठीक है, तो अलग से जो है वो पता चल जाता है कि यहाँ पे रोड ख़त्म है। ठीक है, तो वो मार्किंग के लिए जो शाम को क्या है कि अलग से शाइनिंग अलग से दिखती है उसके लिए जो है मतलब कि इसमें ग्लास यूज किया जाता है। ठीक है, तो दो मेटल इसमें जो है यूज किए जाते हैं दोस्तों, एक तो आपका थर्मोप्लास्टिक और दूसरा आपका ग्लास। ठीक है, जैसे कि आप अभी आप वीडियो में देखें दोस्तों इसमें बॉयलर है, एक सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, बॉयलर में क्या है कि इसमें जो है भट्टी होती है उसमें ये जो है थर्मोप्लास्टिक और ग्लास जो है उसमें डाल दिया जाता है और वो जब मेल्ट हो जाता है तो मेल्ट होके जो है ये पट्टी लगाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये पहले मार्किंग कर ली जाती है रोड पे। ठीक है, ताकि आपकी जो पट्टी बिल्कुल सीधी रहे तो पहले मार्किंग कर ली जाती है। जैसे आप देख रहे हो वीडियो में जो पट्टी जो ये रस्सी लगा दी गई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों। दोस्तों ये जो मेटल होता है इतना टिकाऊ होता है कि एक बार मार्किंग के बाद ये 2 से 3 साल तक जो है ये पट्टियाँ इनकी लाइफ होती है। 2 से 3 साल तक ये जो पट्टियाँ है इनकी जो लाइफ है 2 से 3 साल होती है। ठीक है दोस्तों, और ये एक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग रोड मार्किंग मशीन के रिगार्डिंग। ठीक है, इन पट्टियों की रिगार्डिंग। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हे 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 हे।